सीएसके वालों क्यों परेशान हो रहे हो भाई तुम? हमें पता है भाई कि 27 रनों से सीएसके मैच हार गई, सीएसके प्लेऑफ से बाहर हो गई, सीएसके क्वालिफाई नहीं कर पाई। पहले तो तुम सीएसके वालों हमें ये बताओ कि तुम्हें ट्रॉफी चाहिए थी कि एमएस धोनी को खेलता हुआ देखना था? तुम्हें एमएस धोनी को खेलते हुए देखना था ना यार, फिर क्यों परेशान हो रहे हो? मैं पहले भी बोला हूँ और अभी भी बोलता हूँ, हमें कोई ट्रॉफी नहीं चाहिए, हम ट्रॉफी के भूखे नहीं है। हमारे पास 5 ट्रॉफी पहले से पड़ी है, तो हमें कोई ट्रॉफी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कोई ट्रॉफी माई भाई, बस तुम खेलते रहो। सीबी के फैंस और आरसीबी वालों, तुम्हें भी कुछ कहना है? आरसीबी की टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा खेले हो यार तुम सब। वेल प्लेड आरसीबी वालों, बढ़िया खेले हो, मजेदार खेले हो, धमाकेदार खेले हो, और आरसीबी टीम ट्रॉफी डिजर्व करती है। लेकिन आरसीबी के फैंस ट्रॉफी कभी डिजर्व नहीं करते। मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था तो आरसीबी के फैंस धोनी को गाली देते हैं। अरे तुम्हें पता भी है धोनी है कौन? तुम गाली दे किसे रहे हो? तुम उसे गाली दे रहे हो जो जिसकी कैप्टनसी में इतनी ट्रॉफी आई है, इतने वर्ल्ड कप आए हैं, तुम उसे गाली दे रहे हो जो 28 साल बाद वर्ल्ड कप लाया इंडिया में, तुम उसे गाली दे रहे हो? और तुम घंटा डिजर्व करते हो आरसीबी के फैंस ट्रॉफी अगर तुम धोनी को गाली देते हो? अब्यूज किसे कर रहे हो यार? तुम्हें पता भी है तुम गाली दे किसे रहे हो? खैर कॉन्ग्रेचुलेशंस आरसीबी, वेल प्लेड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। और सीएसके वालों परेशान मत हो यार, धोनी अभी खेलेगा अगला सीजन, चिल।